अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी डिश है भुना गोश्त विद ज़ीरा राइस। फ्रेंड्स, मुझे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्यों, यम्मी लग रहा है ना फ्रेंड्स? चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें आधा नींबू डाल दीजिए फ्रेंड्स, 3 चम्मच नमक, 3 थोड़ा सा ऑयल, ताकि हमारे चावल खिले खिले बने फ्रेंड्स। अब इसको बॉईल होने के लिए ढक दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पानी बॉईल हो चुका है और जो हमारे वॉश किए चावल है वो चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। और जिस तरह हम रेगुलर चावल बनाते हैं फ्रेंड्स, वैसे ही हम इसको बनाएंगे और इसे अच्छे से हिलाएंगे। एक बर्तन में ऑयल ले लीजिए फ्रेंड्स, 1/2 कटोरी ऑयल, उसमें हमें 3 चम्मच ज़ीरा डालना है, क्योंकि ये ज़ीरा राइस है तो ज़ीरा इसमें ज़्यादा होना चाहिए फ्रेंड्स। और 3 से 4 हरी मिर्च बीच में से कटी हुई। अब इसमें हम पके हुए चावल ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खिला खिला हमारा ज़ीरा राइस बना है। चलिए भुना गोश्त तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स मटन ले लिया है, उसमें मैंने बिरिस्ता डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 3 प्याज का बिरिस्ता बना लिया था, 1 कटोरी दही, 1 चम्मच अदरक लहसुन, 2 चम्मच यहाँ पर मैंने नमक ले लिया है, 2 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और जो हमने बिरिस्ता बनाया था वो ऑयल हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधी ग्लास पानी ऐड कर दीजिए फ्रेंड्स। और 5 से 6 सीटी के लिए कुकर गैस पे चढ़ा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, गोश्त गल चुका है, इस पर कोथमी डाल दीजिए और इसको अच्छे से भूनिए, क्योंकि ये भुना गोश्त है फ्रेंड्स, इसे अच्छे से भूनना है हमको। 1/2 नींबू का रस, और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए यानी भूनिए। चलिए फ्रेंड्स, हमारा ज़ीरा राइस एंड भुना गोश्त दोनों तैयार है। चलिए सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़ीरा राइस तैयार है फ्रेंड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने खिले खिले चावल बने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।